Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And it is my email ID, it is not showing properly here. It is rashmisingh23.lucknow@gmail.com. Okay, and today I am going to discuss the topic under the main headings of, you can say, special education or integrated education or inclusive education. The term inclusive education has been evolved from special education through integrated education, and nowadays it is called as inclusive education. And the topic of today's discussion is NPE 1986 and integrated education. Okay, and the lecture will be useful, certainly. देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, आप इसे विशिष्ट शिक्षा कहिए, एकीकृत शिक्षा कहिए, समेकित शिक्षा कहिए, है ना, आप इसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहिए. तो हमने चूंकि पहले भी बात की है आपसे कि ये टर्म जो है वो पहले विशिष्ट शिक्षा के नाम से था, स्पेशल एजुकेशन से ये इंटीग्रेटेड हुआ और इंटीग्रेटेड के बाद अब इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जाना जाता है. तो जब ये, और बहुत से राष्ट्रीय हमारी शिक्षा नीतियाँ बनती रहीं, कमीशन आते रहे, रिकमेंडेशन देते रहे, तो सबने कहीं ना कहीं ये स्वीकारा कि जो इस तरह से, इस तरीके के बच्चे हैं उनको भी शिक्षा दीक्षा उनको मिले, ये उनका अधिकार है. तो हमको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जब एनपी 1986 आया, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 1986 की आई है, तब इंक्लूसिव एजुकेशन का यूसेज नहीं था. इंक्लूसिव एजुकेशन का टर्म उसके बाद आया है, इसलिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन इसमें इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी होगी. तो हम चूंकि आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में होता है, आपको इस तरह से पढ़ना होता है कि क्या क्या जितनी भी कमीशन कमिटीज बैठे हैं अभी तक, उन्होंने किस किस तरीके की संस्तुतियां स्पेशल एजुकेशन या डाइवर्सिटी ऑफ एजुकेशन या डाइवर्स जो लर्नर्स की नीड्स हैं उनके हिसाब से उनको दी हैं. तो जनरली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से ही शुरू करते हैं. फिर आपको पढ़ना होता है पीओए 1992 ने क्या कहा, मतलब प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो फॉलो अप प्रोग्राम था एनपीई का, उसने क्या कहा. फिर हमको पढ़ना होता है पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है, पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट, पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट, यस, 1995, उसने क्या कहा है. फिर नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005 में आया, उसने किस तरह से डाइवर्सिटी को केटर करने के लिए अपने कदम उठाए हैं. तो हम शुरुआत एनपीई 1986 से कर रहे हैं, फिर पीओए 1992, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005, इस तरह से सतत आगे चलेंगे. ठीक है, तो हम ये देखें, हमको हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो, मतलब 1986 की बात है ये, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि तब जब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी उसने किस तरीके से ये स्पेशल एजुकेशन के मुद्दे को देखा और क्या उसने विज़न रखा कि अगले 10 सालों में, 15 सालों में हम किस किस तरह से इन बच्चों को शिक्षित करेंगे. तो ये आपको बैकग्राउंड पीछे दिमाग में रखना चाहिए. तो क्या कहा एनपी ने, एनपी स्टिपुलेट्स दैट वेयर वेयर पॉसिबल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लोकोमोटर हैंडीकैप एंड अदर माइल्ड हैंडीकैप्स विल बी कॉमन विद दैट ऑफ अदर्स. कह रहे हैं कि चूंकि, देखिए इसके पीछे भी लॉजिक है कि चूंकि हमारा देश इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हम शिक्षा पर इतना पैसा खर्चा कर सकें, फिर स्पेशल स्कूल खोलना तो और खर्चीला है क्योंकि आपको पूरी बिल्डिंग चाहिए, उसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सब चाहिए, स्पेशल टीचर चाहिए, सब कुछ, है ना. तो उन्होंने कहा कोशिश ये की जाए कि जहां तक संभव हो छोटा मोटा हैंडीकैप अगर बच्चे में है, बस चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत है, माइल्ड, एकदम माइल्ड सा कुछ हैंडीकैप है, तो आप उसको नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाइए. द चिल्ड्रन विद सीवियर हैंडीकैप्स आर प्रपोज टू बी इनरोल्ड इन स्पेशल स्कूल्स. वो कह रहे हैं कि जिनके संग कोई ज्यादा दिक्कत है उन्हीं को आप स्पेशल स्कूल में इनरोल कीजिए विद हॉस्टल्स एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जिनके की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे हॉस्टल्स हों. अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स फॉर प्री स्कूल प्रिपरेशन फॉर द हैंडीकैप चिल्ड्रेन एंड वोकेशनल प्रिपरेशन इन कॉमन विद अदर्स एज वेल एज इन स्पेशल वोकेशनल सेंटर्स हैव आल्सो बीन इनवाइटेड. ये सोचा गया कि प्री स्कूल प्रिपरेशन उनके लिए कराई जाएगी, उनके लिए उस तरह से अरेंजमेंट होगा, वोकेशनल प्रिपरेशन कराई जाएगी, सब ये बात एनपीई ने सोची कही. फिर उन्होंने क्या कहा तो क्या करें हम, द इम्प्लीकेशन इज दैट देयर विल बी अ सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस एंड असेसमेंट ऑफ द हैंडीकैप फॉर प्लेसमेंट इन स्कूल्स. तो ये तो हमको तय करना पड़ेगा ना कि वो नॉर्मल स्कूल में जाएगा, स्पेशल स्कूल में जाएगा, किस स्कूल में जाएगा. तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, आइडेंटिफिकेशन, पहचान करें, डायग्नोज करें किस तरीके की उसको दिक्कत है, किस तरीके की हैंडीकैपनेस है उसके साथ, और तब हम उसका आकलन करने के बाद उसको प्लेस करें कि कौन से स्कूल में उसकी पढ़ाई होनी है. The handicapped children will be prepared for education under the ECCE. It involves definition of the degree of handicap under different areas. कह रहे हैं
जो इस तरीके के बच्चे हैं उनका हमको सबकी पढ़ाई लिखाई ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर फॉर एजुकेशन करके है इसका फुल फॉर्म। उसमें कह रहे हैं कि आप उनको डायग्नोज कर लीजिए और बताइए कि किस डिग्री की उसके पास हैंडीकैपनेस है और उसको डिफाइन कीजिए। ठीक है, ये NPE 1986 हमको कह रहा है। फिर कह रहा है प्रोसेस फॉर्मुलेशन, मतलब किस तरीके से ये प्रक्रिया आगे चलाई जाएगी। इतने बच्चे हैं, इतनी माइल्ड से लेके सीवियर हैंडीकैपनेस है। अच्छा देखिए, उस वक्त हैंडीकैप्ड या हैंडीकैप या इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अब नहीं इस्तेमाल होते ना। अब तो दिव्यांग बोला जाता है, दिव्यांग जन बोला जाता है। अब तो आप नहीं, आप किसी को हैंडीकैप बोल सकते, मेंटली रिटार्डेड वो नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज नॉट सीम गुड, है ना। लेकिन इसमें यूज किया जा रहा है क्योंकि पॉलिसी में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो एज्यूमिंग दैट अबाउट 2 मिलियन डिसेबल्ड चिल्ड्रन विल रिक्वायर एजुकेशन इन स्पेशल इंस्टीट्यूशंस एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स, मदर केयर एंड इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी। ये कह रहे हैं लगभग 2 करोड़ डिसेबल बच्चे, 1986 का आंकड़ा है, निश्चित रूप से अब बढ़ा होगा, है ना। विल रिक्वायर, वो कह रहे हैं उनको स्पेशल इंस्टीट्यूशन में स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, उनकी हेल्थ सर्विसेज में, उनके खाने पोषण का जो उनका स्टैंडर्ड है, जो उनको मदर से केयर मिलती है, सब में हमको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है जिससे कि हम डिसेबिलिटी को थोड़ा रोक सकें। फिर वो क्या कह रहे हैं कि द आइडियल सिनेरियो फॉर एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन। वो कह रहे हैं कि हम चूंकि यहाँ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन UPE गोल है, तो कह रहे हैं कि जो हैंडीकैप्ड है उसको भी तो आपको प्राइमरी एजुकेशन देनी है। तो वो कह रहे हैं कि आप 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को 1990 तक बना दीजिए, सभी को प्राइमरी एजुकेशन मिल जाए, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 1995 में, यानी कि 86 में ये आई तो कह रही है, ये सोचा इसमें, ये विजन था इस पॉलिसी का कि अगले 4 सालों में हम 6 से 11 साल के सभी बच्चे इंक्लूडिंग हैंडीकैप उनको प्राइमरी एजुकेशन दे देंगे, और अगले 9 सालों में हम 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षित कर लेंगे। इट विल हाउएवर रिक्वायर ए वॉर फूटिंग एफर्ट। वो कह रहे हैं इसके लिए मतलब युद्ध स्तर पर आपको जुड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज द कवरेज एट प्रेजेंट इज नॉट मोर देन 5%। कह रहे हैं एट प्रेजेंट, जब 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी होगी, उसने सर्वे किया होगा, डेटा इकट्ठा किया होगा, तो उसने देखा कि 5% से ज्यादा कवरेज अभी नहीं है, और हम कह रहे हैं इतना हम अचीव कर लेंगे, तो हमको युद्ध स्तर पर लगने की जरूरत पड़ेगी। एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज पर्टिकुलरली इन स्पेशल स्कूल्स रिक्वायर लार्ज रिसोर्सेज, बहुत सारा रिसोर्स जरूरत होगा, एंड इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, बहुत समय लगेगा, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स एंड अदर स्पेशलिस्ट। क्योंकि आपको स्पेशल एजुकेटर्स चाहिए इन स्पेशल बच्चों को स्पेशल स्कूल में पढ़ाने के लिए, और भी बहुत तरीके के विशेषज्ञ आपको चाहिए होंगे। द ऑल्टरनेटिव सिनेरियो रिफर्स टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन for children with severe handicap synchronized with the goal of health for all by 2000 AD in the UPE for the LH and other mildly handicapped children to be covered by 1990-1995। वो कह रहे हैं कि जिसके संग लर्निंग हैंडीकैपनेस है, माइल्डली हैंडीकैप है, उसको तो आप 1990-1995 तक सबको प्राइमरी एजुकेशन दे दीजिए, लेकिन जिसके पास सीवियर हैंडीकैपनेस है उसको आप 2000, उन्होंने 5 साल और ले लिया कि हम और अगले 5 साल तक सभी को प्राइमरी एजुकेशन दे देंगे। ये बात NPE ने 1986 में कही थी। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि द इनरोलमेंट ऑफ LH एंड अदर माइल्डली हैंडीकैप चिल्ड्रन इन देयर रिटेंशन इन कॉमन स्कूल्स विल बी इंक्रीज बाय 25% ईच ईयर ड्यूरिंग द करंट प्लान। वो कह रहे हैं कि जो योजना चल रही थी उसमें उन्होंने सोचा कि करंट प्लान में हम क्या करेंगे, हर साल 25% की बढ़ोतरी करेंगे कि इन बच्चों को हम रिटेन कर सकें कॉमन स्कूल में। तो उसके लिए कैसे, क्या क्या उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई, क्या क्या करेंगे वो, ऑर्गेनाइजिंग एडवोकेसी प्रोग्राम फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड टीचर्स इन द कॉमन स्कूल सिस्टम। क्योंकि कॉमन स्कूल्स जनरली इन बच्चों के एडमिशन देने के लिए मतलब हिचकते थे, नहीं एडमिशन देना चाहते थे कि कैसे केटर किया जाएगा, हमारे पास वैसा फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास स्पेशल टीचर्स नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे एडवोकेसी प्रोग्राम चलाइए जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स को, टीचर्स को आप कहिए कि नहीं आपको इन बच्चों को भी एडमिशन देना है जिनके पास सिर्फ लर्निंग हैंडीकैपनेस और थोड़ा माइल्डली हैंडीकैप्ड है। फिर इंक्लूडिंग ट्रेनिंग कॉम्पोनेंट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन द मैसिव इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ टीचर्स। जितने भी टीचर्स का इन सर्विस ट्रेनिंग चलता है, मतलब जब वो सेवारत हैं तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है। देखिए जो आपका बीएड है वो क्या है, प्री सर्विस ट्रेनिंग।
आपको पहले ही प्रशिक्षण दे दिया जाता है सर्विस में जाने से पहले, और इन सर्विस मतलब आप सर्विस में चले गए हो तब आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हमको इस तरीके का ट्रेनिंग कॉम्पोनेंट लाना चाहिए इनकी इन सर्विस ट्रेनिंग में, किन की टीचर्स की। फिर कह रहे हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सप्लीमेंटिंग द सेम थ्रू डिस्टेंस लर्निंग चैनल। वो कह रहे हैं मतलब यही प्रशासकों को आप ओरिएंट कीजिए, टीचर्स को ट्रेनिंग करिए, सब करिए। क्यों? क्योंकि जो LH है और जो माइल्डली हैंडीकैप चिल्ड्रन है उनको आप कॉमन स्कूल सिस्टम का हिस्सा बना सकें। ये NP 1986 ने सोचा था, ये उसका दृष्टिकोण था। उसने और क्या कहा, और कैसे क्या कर सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्टीज एट द SCERT डायट सब डिविजनल एंड ब्लॉक लेवल्स फॉर प्रोवाइडिंग सुपरवाइजरी सर्विसेज टू द टीचर्स मैनेजिंग दिस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। वो कह रहे हैं कि जो आपके SCERT चल रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग चल रहा है, उसमें आप इस तरीके का एक्सपर्टीज डेवलप कीजिए कि ताकि वो जाके सुपरवाइज कर सके उन शिक्षकों को जो इस तरीके के बच्चों से डील करते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग मटेरियल। देखिए आप उनको नॉर्मल, अगर जिसके पास सीवियर हैंडीकैपनेस है उसको आप वही लर्निंग मटेरियल तो नहीं पढ़ा सकते जो नॉर्मल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव लर्निंग मटेरियल भी विकसित करना पड़ेगा। टीचर को भी सेंसिटाइज होना पड़ेगा, तो टीचर की भी हैंडबुक चाहिए होगी कि कैसे आपको इन बच्चों को मैनेज करना है। फिर सप्लाई ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट या एडेप्टेशन फॉर प्री वोकेशनल एंड वोकेशनल कोर्सेज इन दी कॉमन स्कूल्स। वो कह रहे हैं कि अगर आपके स्कूल्स में वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं, प्री वोकेशनल चलते हैं, तो आपको एडिशनल इक्विपमेंट चाहिए होगा, क्योंकि ये बच्चे फिर वो वोकेशन में नहीं जाएंगे, वो किसी और वोकेशन में जाएंगे, तो उसके लिए भी तो इक्विपमेंट होना चाहिए। या जो नॉर्मल इक्विपमेंट है उसमें हम कैसे एडेप्टेशन करें कि ये बच्चे भी उसे कर सकें। फिर डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर द असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी। कौन है जो हमको नाप के बताएगा कि बच्चे में कितना हैंडीकैपनेस है, किस डिग्री का है, उसको कहाँ प्लेस किया जाए, इसके लिए हमको साइकोलॉजिकल सर्विसेज भी चाहिए होंगी। मोबिलाइजेशन ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री वेयर एवर नेसेसरी, यानी कि हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री से भी हमको समय समय पर सहयोग अपेक्षित होगा। फिर क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा मतलब ये सब प्रोसेस फॉर्मुलेशन के तहत चल रहा है कि जो उन्होंने माना है कि 1990 तक 6 से 11 वालों को, 1995 तक 6 से 14 वालों को, 2000 तक सीवियर हैंडीकैप वालों को कैसे आप यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के तहत सबको प्राइमरी एजुकेशन देंगे, उसके लिए ये सब प्रक्रिया चल रही है कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ये पॉलिसी ने सोचा था 1986 में। उन्होंने कहा It is suggested that a team of at least 3% at the SCERT level, 3 at DIET level and at least 1 each at the sub-divisional and block levels will be provided adequate training. उन्होंने कहा ना कि ये लोग सुपरवाइज करेंगे, तो वो कह रहे हैं SCERT level पे कम से कम 3 लोगों को, DIET पे 3 लोगों को और sub-divisional और block level पे एक एक आदमी को कम से कम आप adequate मतलब पर्याप्त प्रशिक्षण दीजिए। It involves training of about 6,000 education officers at the sub-district. तो उन्होंने गणना की, डेटा निकाला, तो उन्होंने कहा कम से कम डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हमको 6,000 इस तरह के एजुकेशन ऑफिसर चाहिए होंगे जिनकी ट्रेनिंग मिल चुकी हो। An outreach program covering all the teachers during the remaining 3 years as a part of massive teacher training program will be undertaken. MHRD through its agencies like NCERT, NEPA, regional colleges of education may undertake addition or modification of facilities for the personnel training. वो कह रहे हैं कि MHRD क्या करे? अब आपको पता होगा कि MHRD को ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ही MHRD कहा जाता था और उसके पहले फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब 1986 आई तब उसको MHRD कहा जाता था। उन्होंने कहा कि वो उसकी जितनी भी संस्थाएं हैं जैसे NCERT हो गया, NEPA हो गया, जो RIEs हो गए रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, सबको कहा उन्होंने कि कुछ ना कुछ इस तरीके का मॉडिफाई कीजिए अपनी फैसिलिटी में ताकि आप टीचर्स को ट्रेन कर सकें। द वेलफेयर मिनिस्ट्री एंड हेल्थ डिपार्टमेंट आर टू प्रोवाइड प्रोस्थेटिक्स एंड द सर्विसेज फॉर द डायग्नोसिस एंड असेसमेंट अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। देखिए DRC मतलब डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर, तो जो जिला स्तर पर जो इस तरह के पुनर्विन्यास केंद्र बनाए गए हैं उनको भी आप प्रोवाइड कीजिए अपनी हेल्थ सर्विसेज ताकि वो डायग्नोस कर पाए और असेसमेंट कर पाए। ठीक है, फिर रिवीजन ऑफ IED स्कीम। ये NP 1986 ने कहा कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन डेवलपमेंट की स्कीम चल रही है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। कैसे? The current IED scheme needs revision in view of the NP. जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देखा उसको अपने दृष्टिकोण से, तो उसने कहा कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन डेवलपमेंट स्कीम है उसमें हमको सुधार करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है, उसको फिर से देखने की जरूरत है। The Ministry of Human Resource Development may immediately appoint a committee to review the scheme and revise the same. वो कह रहे हैं MHRD को चाहिए कि तुरंत एक कमेटी बैठाए और इसको रिवाइज करे। तो रिवाइज करने में उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या करना चाहिए? प्रोविजन फॉर वोकेशनल एजुकेशन ऑफ दीज चिल्ड्रेन
may be made along with others in the common school with the plus 2 stage or in the it is additional machines with modifications and safety system wherever necessary will have to be provided for this purpose. वो कह रहे हैं कि वोकेशनल एजुकेशन इन बच्चों को प्रोवाइड की जाए ताकि वो कुछ ना कुछ वोकेशन में इंगेज हो सके आफ्टर 10+2 की पढ़ाई अगर वो वहां तक कर पाते हैं तो. और क्या किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव एंड सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स रिलेटिंग टू एजुकेशनल प्रोविजन फॉर दीज चिल्ड्रन शुड बी अंडरटेकन बाय द एनसीईआरटी. एनसीईआरटी शुड ऑल्सो डिसेमिनेट दीज इनोवेटिव प्रैक्टिसेस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. वो कह रहे हैं कि अगर आपने कहीं अपने इंस्टीट्यूशन में कोई ऐसा नवाचार लाया या कोई आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो एकदम सक्सेसफुल हो गया तो मतलब बहुत बच्चे अच्छा कर पाए उसको करने के बाद, तो वो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी को ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स उनका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, मतलब लिख के रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए अपने पास. और सिर्फ लिख के सुरक्षित ना रखकर रखे बल्कि उसका प्रसार करे, बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी बताए कि देखिए वहां पे ये इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया और इतना सक्सेसफुल रहा तो आप भी इस तरीके का या इसी को कर सकते हैं. ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं हम आईईडी स्कीम के रिविजन में. द टूल्स फॉर द साइको एजुकेशनल असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर identification of learning problems are conspicuously missing. वो कह रहे हैं कि कोई साइको एजुकेशनल ना असेसमेंट चल रहा है, ना कोई डायग्नोस्टिक टूल है, ना बच्चों की लर्निंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. ये देखा एनपीई ने तो उसने कहा कि जो एनसीईआरटी है उसको ये काम प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहिए. क्यों एनसीईआरटी को बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग है ना, तो ये मतलब स्कूल लेवल की शिक्षा दीक्षा के लिए जिम्मेदार है एनसीईआरटी, इसलिए आप बार बार कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी जो है वो ये काम करे. It should not only develop such tools but should also encourage other organizations to translate and adapt in regional languages. वो कह रहे हैं कि सिर्फ NCERT ऐसे tools ना बनाए बल्कि और जो संस्थाएं हैं उनको भी प्रेरित करे कि वो उसको बनाए, उसको translate करे, उसका अनुवाद करे, जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका अनुकूलन करें अपनी भाषाओं में. इट विल बी वर्थवाइल टू डेवलप साइको एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर एट एनसीईआरटी. कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पे क्यों नहीं एक ऐसा साइको एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर बना लिया जाए जो इसी तरीके के काम करें. दिस शुड प्रोक्योर द अवेलेबल टेस्ट, आइडेंटिफाई एरियाज इन विच न्यू टेस्ट आर रिक्वायर्ड एंड प्रमोट डेवलपमेंट. द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप में ऑल्सो भी एसोसिएटेड विद दिस वर्क. देखिए इसको कहीं कहीं NIH लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप. वो कह रहे हैं कि इसको भी इसमें हेल्प करना चाहिए कि हम कम से कम पहले डायग्नोज तो कर पाए कि किसको किस तरीके की डिसेबिलिटी है. एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद मोटर हैंडीकैप्स एंड अदर माइल्ड हैंडीकैप्स इन कॉमन स्कूल्स नीड्स टू बी ऑगमेंटेड, है ना. ये तो पहले ही बात हो गई कि जितना लोको मोटर हैंडीकैपनेस है और माइल्ड हैंडीकैपनेस को हम कॉमन स्कूल में ही एब्जॉर्ब करेंगे. फिर उन्होंने बात की एजुकेशन इन स्पेशल स्कूल्स की, अगर हम विशिष्ट, ये तो हो गया कॉमन्स है ना, अभी तक बात हो रही थी क्या कि लर्निंग हैंडीकैप और माइल्ड हैंडीकैप को आप कॉमन स्कूल में अब्सॉर्ब कर लीजिए, लेकिन जिनके पास सीवियर हैंडीकैपनेस है, जो इनके संग ऐसी दिक्कत है कि नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकते, वो कहाँ पढ़ेंगे, उस हिसाब से एनपी 1986 के हिसाब से स्पेशल स्कूल्स में. अब क्या बात की जा रही है कि कोई स्पेशल स्कूल में नहीं पढ़ेगा, सब नॉर्मल में पढ़ेंगे, तभी तो इंक्लूसिव हो गया है. तो कह रहे हैं स्पेशल स्कूल्स विल बी एस्टैब्लिश्ड एट द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स. मतलब जब तक वो पढ़ने लिखने लायक हैं, जो एकदम ही सीवियर हैंडीकैप है, फिर आप उनको नॉर्मल स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते. स्पेशल स्कूल्स विल बी एस्टैब्लिश्ड एट द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स. वो कह रहे हैं जिला स्तर पे और उप जिला स्तर पे आप इस तरीके के स्कूल खोलिए. It was felt that composite special schools may be established to start with. This decision is based on the geo-scatter of the population of disabled children, reluctance of the parents to send children to schools located at distant places, sharing of specialist staff. Like है ये, है ना, ये मेरे system की जो है ना के में ढंग से नहीं चलती. Like therapists and psychologists to support the educational efforts, utilization of vocational centers for pre-vocational and vocational courses of the children in school as well as for post-education rehabilitation courses, meeting the needs of multiple handicapped. ठीक है, वो कह रहे हैं कि किस हिसाब से आप स्पेशल स्कूल खोलेंगे. भाई आपके पास कोई डेटा तो होना चाहिए. तो कह रहे हैं डेटा किस पे बेस्ड होगा कि डिसेबल्ड बच्चों की संख्या कितनी है. Reluctance of parents to send children to schools located at distant places. जो दूर स्थित स्कूल हैं वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं. फिर जो स्पेशलिस्ट स्टाफ है वो कितना है आपके पास. आपके पास थेरेपिस्ट हैं कि नहीं, साइकोलॉजिस्ट हैं कि नहीं, वोकेशनल सेंटर है कि नहीं, प्री वोकेशनल वोकेशनल कोर्सेज की कोई व्यवस्था है कि नहीं, तब तो बनेगा ना स्पेशल स्कूल. ऐसे नहीं आप बैठे बैठे स्पेशल स्कूल बना सकते हैं. उसके लिए आपको इतना एनालिसिस और इतना रिसर्च चाहिए, इतना बैकग्राउंड चाहिए, तब आप बनाएंगे स्पेशल स्कूल ना. कि
किस एरिया में किस तरीके के बच्चों की क्या नीड है, तभी तो मैंने कहा वरना स्पेशल स्कूल बना है, पता चला किसी का एडमिशन ही नहीं वहाँ, तो और लाखों रुपया वहाँ पे खर्चा हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा। इन ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर अ स्पेशल स्कूल इज सेट अप, अ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर विल आल्सो बी डेवलप्ड। वो कह रहे हैं कि जहां भी आप स्पेशल स्कूल खोलिए आप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जरूर खोलिए, बिकॉज आप जानते हैं कि ये बहुत एक्सेल नहीं कर सकते पढ़ाई लिखाई में, तो कम से कम आप इनको कोई कौशल सिखाइए। द रिहेबिलिटेशन काउंसिल शुड बी रिक्वेस्टेड टू गिव रिकॉग्निशन टू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम सो दैट द इनकमबेंट्स कैन गेट जॉब थ्रू आउट द कंट्री। न सिर्फ आप इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए, बल्कि वो कह रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल को ऐसी कोर्सेज को मतलब अपना रिकॉग्निशन भी दें, ताकि जब वो वहां से कोर्स करके निकले तो उनके पास जो सर्टिफिकेट हो उससे वो जॉब भी पा सकें। Wherever necessary, recognition from the NCTVT and NCTE may be obtained. Okay, ना जितनी भी इस तरीके की संस्थाएं चल रही हैं स्पेशल स्कूलिंग से संबंधित, सबको इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फिर assuming that each special school will require 8 to 10 special teachers, about 3500 to 4000 special teachers will be required during the current trend. वो कह रहे हैं कि इतने teachers की जरूरत पड़ेगी, तो कौन कौन करे इस काम को, MHRD करे, Ministry of Welfare करे, UGC करे, NCERT करे, RIEs करे, National Institutes of Handicap करे, Selected University Departments of Special Education, देखिए कई departments university में ऐसे होंगे जहाँ special education का अलग ही department ही होगा, वो लोग करें, इतने लोग मिलके करें तब तो इतने लोग ट्रेन होंगे। फिर कह रहे हैं द इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज मे बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट थ्रू इट्स रीजनल सेंटर्स एंड द रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद द एससीईआरटीज। वो कह रहे हैं जितने भी इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम आप चला रहे हैं सब में अवेयरनेस डालिए स्पेशल एजुकेशन के लिए। इसके अलावा आपको सिर्फ टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिए होंगे, 4000 साइकोलॉजिस्ट उन्होंने गणना करके बताया। At least two doctors in each district needs to be specially oriented to the task of assessment and rehabilitation of the handicapped children. और वो उनका orientation ही इस तरीके का हो कि वो जांच कर पाएं, आकलन कर पाएं और बच्चों को पुनर्विन्यास केंद्र में स्थापित कर पाएं कि किसके संग किस तरीके की विसंगति है। In addition, other staff भी आपको चाहिए। कौन कौन चाहिए? Physiotherapist चाहिए, occupational therapist चाहिए, speech therapist, बच्चे को बोलने में दिक्कत है तो will be needed, जरूरत पड़ेगी। और हेल्थ मिनिस्ट्री और वेलफेयर मिनिस्ट्री को आपस में कोऑर्डिनेट करके इस तरीके के प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। द एफर्ट्स में भी कोऑर्डिनेटेड थ्रू द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और कह रहे हैं इस तरीके के जितने भी प्रयास हैं वो किससे मतलब उनका संचालन होगा, कोऑर्डिनेशन समन्वय किससे स्थापित करेंगे? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से। ठीक है, फिर आप स्पेशल स्कूल में क्या पढ़ाएंगे ये भी तो सोचेंगे। करिकुलम कौन बनाएगा? दी करिकुलम ऑफ दीज स्कूल शुड बी मॉडिफाइड टेकिंग इन अकाउंट दी स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ ए पर्टिकुलर हैंडीकैप। आपको देखना पड़ेगा किस तरीके के बच्चे का आप करिकुलम बनाने जा रहे हैं, तो जो उसकी पर्टिकुलर हैंडीकैपनेस है उसके से जो लर्निंग प्रॉब्लम्स अराउज हो रही हैं उसके हिसाब से आपको करिकुलम बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, लिमिटेशन ऑफ द ब्लाइंड चाइल्ड फॉर साइंस प्रैक्टिकल्स, लिमिटेशन ऑफ द डेफ चाइल्ड टू स्टडी मोर देन वन लैंग्वेज नीड्स टू बी एडजस्टेड इन द करिकुलम, ये टू है। वो कह रहे हैं कि अगर बच्चे को देखने में दिक्कत है तो आप साइंस के प्रैक्टिकल कैसे करेगा, आपको उसमें कहीं ना कहीं उसको कुछ लिमिट करना पड़ेगा। उसी तरह से बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान आप उसको नहीं दे सकते। कॉशन शुड हाउएवर बी एक्सरसाइज दैट दीज स्टूडेंट शुड नॉट मिस द करिकुलम कॉम्पोनेंट दैट दे कैन। The National Institutes of Handicap and NCERT should develop the curriculum and make available curriculum guides and teachers handbook to special schools. वो कह रहे हैं कौन बनाएंगे ये curriculum? NCERT और NIH मिलके बनाए और उसके संग एक गाइड बुक भी बनाए कि जो टीचर उसको पढ़ा रहा है उसके गाइडेंस के लिए कि कैसे पढ़ाया जाए इसको, है ना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन इज ए मस्ट फॉर सीवियरली डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। बहुत बच्चा के संग विसंगति है तो आप ये नहीं कह सकते कि फला डेट पे फला तारीख को ही उसको आना है एग्जाम देने, आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इवेलुएशन गाइड्स एंड टूल्स फॉर एजुकेशनल असेसमेंट शुड बी मेड अवेलेबल टू दी स्कूल्स। NCERT विच हैज द एक्सपर्टीज इन द टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सच टूल्स एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट्स विच हैव द एक्सपर्टीज इन डिसेबिलिटी में कोलैबोरेट टू प्रोड्यूस दिस मटेरियल। और ये जो इवेलुएशन गाइड आप बनाएंगे वो कौन बनाए? NCERT और NIH अपनी एक्सपर्टीज से मिलकर इसको बनाए। ये सब NPE 1986 में लिखा गया है उसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। ये NPE का ही पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको संग शेयर करी हूँ, उसमें कुछ और किसी का कोई भी शब्द लाइन नहीं है। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्पेशल एजुकेशन शुड रिसीव अटेंशन। वो कह रहे हैं देखिए आपको ये भी बात ध्यान देनी होगी, 1986 का समय है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से आप कैसे स्पेशल एजुकेशन को बढ़िया कर सकते हैं, कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं लर्नर के लिए। इट इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन ऑफ द इक्विपमेंट एंड मटीरियल इन द लर्निंग रिसोर्स सेंटर। जितने भी LRC चल रहे हैं लर्निंग रिसोर्स सेंटर, उसमें आप मॉडिफाई कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए,
लीजिए, अडेप्ट कर लीजिए अपना इक्विपमेंट किसकी सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से। द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स MHRD एंड मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर में कोलैबोरेट टू प्रोड्यूस सच मटेरियल फॉर इंप्रूविंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर हैंडीकैप, जिसके संग कोई हैंडीकैपनेस है, जैसे ब्लाइंड है तो ब्रेल उसमें भी कितना एडवांस वर्जन आ गया है, डेफ है तो वो क्या यूज कर सकता है ना, ये सारी चीजें आप टेक्नोलॉजी से उसको हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडेप्टेशन एंड एड ऑन द कंप्यूटर स्क्रिप्टेड टीवी एंड वीडियो फॉर द डेफ etc. needs to be taken up so that the handicapped persons also utilize the opportunities available for each children. The weakest link in education of the handicapped in special schools at present refers to the lack of supervision due to the absence of infrastructure for maintenance of standards of special education in the institutions. वो कह रहे हैं कि सबसे जो कमजोर कड़ी है हैंडीकैप बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, वो कह रहे हैं कि lack of supervision, कोई सुपरवाइज करने के लिए नहीं है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, एबसेंट है, कौन उसका स्टैंडर्ड सेट करेगा, ये सब कौन देखेगा। तो उन्होंने कहा कौन कर सकता है ये काम, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर और MHRD कोऑपरेटिवली मिलकर इसको कर सकते हैं। और रिसर्च इन एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड इन द इंडियन सोशियो कल्चरल मिलियू इज टू बी टेकन अप इमीडिएटली, हमको इस तरीके का रिसर्च भी करना चाहिए कि कैसे इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाए। और कौन कौन करेगा ये रिसर्च, NCERT करे, ICSSR करे, UGC करे, NIH करे, ये सब इस तरीके की रिसर्च को प्रमोशन देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन के लिए क्या बात की गई कि द डेटा बेस रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप इज वेरी वीक, बिल्कुल डेटा नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि किस एरिया में किस तरीके की डिसेबिलिटी है, बच्चों की डिमांड क्या है, नीड क्या है। तो स्टेप्स विल बी टेकन फॉर स्ट्रेंथनिंग द इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कि पहले इन्फॉर्मेशन तो सही निकल के आए, तो कौन करेगा इसको, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ये प्रोग्रेस करें, ये मॉनिटर करें प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप इन स्पेशल स्कूल्स एंड इन कॉमन स्कूल्स रेस्पेक्टिवली, कि जो पर्टिकुलरली स्पेशल स्कूल्स बनाए गए हैंडीकैप के लिए वो कैसा कर रहे हैं काम, और जो कॉमन स्कूल में स्पेशल बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़े बहुत माइल्डली हैंडीकैप बच्चे पढ़ रहे हैं, वो उनके संग कैसी क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो एक इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम विल बी लोकेटेड इन द MHRD। Further, the periodical educational survey carried out with the NCERT will include data on education on the handicapped also. वो कह रहे हैं कि NCERT से जो educational survey निकलते रहते हैं, उनके पास इस तरीके का data होना चाहिए handicapped बच्चों की education का। MHRD और Ministry of Welfare को evaluative studies चलानी चाहिए, जितने भी उनके नेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा, जैसे NCERT, NEPA, University Departments of Education and University Departments of Special Education के through क्वालिटेटिव स्टडीज करानी चाहिए। NCERT और NIH को एक इवेल्युएशन डिजाइन डेवलप करना चाहिए जिसमें क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इनकॉर्पोरेट किया जा सके। तो इतनी सारी बात NPE ने इंटीग्रेटेड एजुकेशन को लेकर कही, चूंकि बहुत सारा मटेरियल था इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा है इसको, आप इसको इत्मीनान से पॉज ले लेके रोक रोक कर पढ़ के देख सकते हैं ना। तो आपको ये देखना है कि 1986 में चूंकि ये बात कही जा रही है इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का टर्म कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, इंटीग्रेशन कब इस्तेमाल हुआ है, या स्पेशल एजुकेशन इस्तेमाल हुआ है, या स्पेशल स्कूल इस्तेमाल हुआ है, या हैंडीकैप इस्तेमाल हुआ है। फिर वो उस वक्त विजन लेके चले कि उनको ऐसा ऐसा करना है, तो उसके लिए उन्होंने प्लान बनाया कि क्या करें, वोकेशनल ट्रेनिंग दें, टीचर्स को ट्रेन करें, जो MHRD है और मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर है वो मिल के ट्रेन करें, NCERT करिकुलम बनाए, फ्लेक्सीबल हो, आप साइकोलॉजिस्ट रखिए, आप थेरेपिस्ट रखिए, आप स्पीच थेरेपिस्ट रखिए, आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रखिए, फिर आप कह रहे हैं आप वोकेशनल सेंटर बनाइए तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से उसको रिकॉग्नाइज करा दीजिए। इतना सब कुछ सोचा गया 86 में ही, है ना, 14 साल उधर और 23 साल इधर, यानी कि 37 साल पहले, ऑलमोस्ट 40 साल पहले। लेकिन आप जान रहे हैं कि अगर सब कुछ मतलब ऑन पेपर की बजाय अगर ग्रास रूट लेवल पे हो गया होता तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती अब तक, लेकिन अलास दुख की बात है कि ऐसा कुछ हो नहीं पाया, बिकॉज बहुत बड़ा देश है और बहुत सारी विसंगतियां सिस्टम में भी हैं, सिर्फ व्यक्ति में नहीं है, इसलिए चीज़ें यथार्थ रूप में नहीं हो पाती। लेकिन काम सोचा तो अच्छा ही गया था, सोचने में तो कोई कमी नहीं थी। तो ये आपका चूंकि इतिहास हो गया है अब NPE 1986, अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ गई है, लेकिन पढ़ने के लिए तो आपको पता होना ही चाहिए कि NPE 1986 ने क्या कहा है स्पेशल एजुकेशन को लेके, तो उसका मैटर यहाँ रहा। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। ओके, डन फ्रॉम माई साइड।